देश में उर्वरकों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई बार प्रयास किए जाते हैं, तो इसी कड़ी में एक नई अपडेट आई है। इसके मुताबिक अब बोर्ड सरकार की तरफ से सस्ती दरों पर खाद व बीज व तकनीकी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आपको बता दें, किसानों के लिए फसल में सबसे अधिक उर्वरक का महत्व होता है। इसके लिए सरकार भी नैनो उर्वरक का प्रयोग खेती में खाद पर लाने की लागत को कम करने के लक्ष्य को पूरा करने वाली है। नैनो उर्वरक के इस्तेमाल से खेत में होने से किसान कम कीमतों पर अच्छी उपज प्राप्त कर पाएंगे। इसके सही तरीके से किसानों के हाथों में पहुँचने के लिए केंद्र सरकार काफी समय से कोशिश कर रही है। अब इसी संदर्भ में सरकार का कहना है कि बहुत जल्द किसानों को नैनो खाद बाजार में कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय बाजार में नैनो उर्वरक को लाने की खबर को लेकर हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि किसान भाइयों को जल्द ही बाजार में नैनो फर्टिलाइजर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके खेत में इस्तेमाल होने से मिट्टी की सेहत में कई गुना सुधार होगा और साथ में फसल की उपज क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। मंडाविया ने यह भी बताया कि देश में वैज्ञानिकों के द्वारा करीब 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतल को तैयार किया जा चुका है और इन्हें बोतल में उतारने की अब तैयारी है। साथ ही जहां किसान भाइयों को अभी तक बाजार में डीएपी की खाद की एक बोरी लगभग 1350 रुपए में खरीदनी पड़ती है, वहीं बाजार में नैनो डीएपी की बोतल इससे आधी कीमत पर मिलेगी। आपको बता दें कि नैनो डीएपी उर्वरक की एक बोतल की कीमत 600 से 700 रुपए तक हो सकती है। यह एक बोतल 500 मिलीग्राम नैनो डीएपी की होगी। इसके आ जाने से किसान के उर्वरक की बढ़ती कीमतों का बोझ भी कम हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। आपको ये अपडेट कैसी लगी? तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। आपको वीडियो जरूर बताएं। ऐसे ही एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।